करता हूँ उत्तर प्रदेश में दो समुदायों के बीच नफरत की आग इस कदर फैली कि उसने ना केवल एक युवक की जान ले ली बल्कि हर तरफ हिंसा का तांडव होने लगा, जिस पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त टिप्पणी की है, वो सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बहराइच में जो बवाल हुआ है और जिन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है वो बचेंगे नहीं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान रविवार को कई जिलों में बवाल हुआ। गोंडा, बलरामपुर के बाद बहराइच जिला पथराव और आगजनी से सुलग उठा। युवक की हत्या के बाद जमकर बवाल हुआ। देर रात तक प्रदर्शन और जगह जगह पर आगजनी होती रही। इस बीच पुलिस और प्रशासन बैकफुट पर भी नजर आए। बहराइच में रविवार को दिन से लेकर रात तक बवाल होता रहा। महसी तहसील के महाराजगंज बाजार में देवी दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन जुलूस के दौरान गोलीबारी और पथराव हो गया। इसमें करीब 22 वर्षीय एक युवक रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई। कम से कम 7 लोग घायल भी हो गए। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक युवक मुस्लिम के घर की छत पर लगा झंडा नोचकर गिरा देता है, फिर उसकी जगह भगवा झंडा लहराता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी का दावा है कि वीडियो में दिख रहा युवक रामगोपाल मिश्रा है। सपा मीडिया सेल ने इस वीडियो को शेयर करते हुए पोस्ट लिखा है कि एक मासूम से दंगाई बने गोपाल ने भाजपाई सियासत के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। तो वहीं बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने इस वीडियो को शेयर करने वालों पर पलटवार किया है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि यह तब हुआ जब विसर्जन के दौरान इसी घर से अकारण माँ दुर्गा की प्रतिमा पर पथराव किया गया। जब चरमपंथियों ने माँ दुर्गा की प्रतिमा को अपवित्र करने का प्रयास किया, जब मां भक्तों पर कातिलाना हमला हुआ, बाद में इसी घर में रखे हथियारों से फायरिंग में रामगोपाल मिश्रा को कई गोलियां लगीं, एक तरफा वीडियो बनवाकर हथियारों को बचाया नहीं जा सकता, ऐसी कार्रवाई होगी कि पीढ़ियां याद करेंगी। बड़ा सवाल है कि आखिर बहराइच में हुआ क्या। आपको बता दें कि रविवार को महाराजगंज कस्बे से रेहुआ मंसूर गांव तक मूर्ति विसर्जन जुलूस निकल रहा था। रास्ते में दूसरे समुदाय के लोगों ने डीजे बजाने को लेकर आपत्ति जताई, जिसके बाद विवाद बढ़ा तो पथराव और गोलीबारी शुरू हो गई। आरोप है कि इससे दुर्गा प्रतिमा खंडित होने पर पूजा समिति के सदस्यों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया, तो दूसरे समुदाय के लोग रामगोपाल मिश्रा को घर के अंदर घसीट ले गए और गोली मार दी। उसे बचाने पहुंचे 28 वर्षीय राजन भी गंभीर रूप से घायल हो गए। जी, महसी के महाराजगंज क्षेत्र में आज जब एक जुलूस एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था, वहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में कुछ विषय को लेके तकरार हुए, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए, उसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसी के बाद एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे विभिन्न स्थानों पर जो मूर्ति विसर्जन है उसको रोक दिया गया और फिर उस का फायदा उठा के कुछ शरारती तत्वों ने उपद्रव मचाने की कोशिश की। तो पुलिस द्वारा बहुत तेजी से अपनी कार्रवाई हरकत में लाए गए और जहां पे भी इस तरह का डिस्टर्बेंस हुआ है उसको हम नियंत्रण में ले आए हैं और अब सभी जगह सकुशल विसर्जन जो है पुनः आरंभ हो गया है और कई स्थानों पर जल्दी समाप्त भी होने वाला है। सभी विसर्जन प्रोसेशंस के साथ में पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है और जहां जहां पे भी डिस्टर्बेंस हुआ है वहां पे हमारे जो भी पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है सभी जगह पे पुलिस द्वारा विस्तृत वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है और जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान कराई जा रही है और विसर्जन समाप्त होने के तत्काल बाद उनकी गिरफ्तारी भी आरंभ हो जाएगी। जो महाराजगंज में घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति को गोली मारी गई है, उसमें 30 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस द्वारा ऑलरेडी हिरासत में ले लिया गया है, उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो मुख्य आरोपी है जो कि भाग गया है उसकी भी लोकेशन ट्रेस हो गई है, उसको गिरफ्तार करने के लिए टीम्स को डिस्पैच कर दिया गया है। इस बीच एक वीडियो वायरल हुआ और वायरल वीडियो के आधार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि एक युवक मुस्लिम के घर की छत पर लगा झंडा नोच कर गिरा देता है, फिर उसकी जगह भगवा झंडा लहराता है, जिसके बाद ये घटना हुई। इस घटना का पूरे जिले में विरोध शुरू हो गया। विसर्जन कमेटी के लोगों ने बहराइच सीतापुर हाईवे पर चलहारी घाट पुल के पास जाम लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। बहराइच लखनऊ हाईवे भी जाम कर दिया गया।
शहर में सैकड़ों जगह प्रतिमा विसर्जन रोक दिया गया। मामला बढ़ता देख छह थानों की पुलिस व पीएससी तैनात कर दी गई। वहीं गोंडा और बलरामपुर में स्थिति नियंत्रण में है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रविवार शाम महसी तहसील की प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा था। महराजगंज कस्बे में पहुंचने पर कस्बा निवासी सोनार अब्दुल हमीद के बेटे सबूर सरफराज व फहीम के साथ मौके पर पहुंचे और गाली गलौज शुरू कर दी। प्रतिमा के साथ चल रहे लोगों ने इसका विरोध किया तो छतों से पथराव शुरू कर दिया गया। इस पर समिति के सदस्य प्रदर्शन करने लगे तो हमीद व उसके साथ मौजूद हजारों की भीड़ मौके पर पहुंची और उपद्रव शुरू कर दिया। सूचना पर भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। पूजा समिति सदस्यों का आरोप है कि एसओ मौके पर मौजूद नहीं थे। प्रदर्शन शुरू हुआ तो पुलिस ने विसर्जन में शामिल लोगों पर ही लाठीचार्ज कर दिया, जिससे भगदड़ मच गई और दूसरे समुदाय के लोग राम गोपाल को उठा ले गए। बहराइच एसपी वृंदा शुक्ला समेत अन्य आला अधिकारी महाराजगंज में कैंप कर रहे हैं। पूरे कस्बे को सील कर दिया गया है। इधर उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जा चुके हैं। देखिए, कानून से किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं है। जो भी दोषी होगा, जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई होगी। स्थिति सामान्य है और दोषियों की पहचान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने भी सख्त निर्देश दिए हैं और जो पुलिस वाले उनके ऊपर भी कुछ कहा। हाँ, जो भी मतलब अगर अनुशासन का पालन करने में पालन करवाने में यदि पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों पर भी लापरवाही पाई गई तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई। विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कह रहा है कि देखिए, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। हर स्थिति में लोगों को कल्याणकारी कानून व्यवस्था वाला राज्य की सरकार प्रदान करे। घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार राम गोपाल के शरीर पर छर्रे के 20 से अधिक निशान थे। ऐसे में आशंका है कि उन्हें 5 से 6 भरुआ कारतूस से गोली मारी गई है। इससे छर्रे बिखर कर पूरे सीने में धस गए। इधर विपक्ष ने का कहना है कि कार्रवाई केवल बोलने से नहीं होगा। सबसे पहले तो मेरी अपील होगी कि जो जो पक्ष उसमें हैं, सभी लोग कानून व्यवस्था बनी रहे, उसी दिशा में काम करें। जो घटना हुई है वो दुखद है और किस कारण हुई है, प्रशासन, शासन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं। सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहाँ पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए, उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूँ तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। केवल बहराइच में नहीं, इसी तरह सदियों पुराना, कई सौ वर्ष पुराना मेला लगता है बनारस रामनगर में। पर्याप्त पुलिस न होने की वजह से, पर्याप्त बैरिकेडिंग न होने की वजह से, पर्याप्त सुरक्षा के इंतज़ाम न करने की वजह से बहुत से लोगों को अपमानित होना पड़ा और लाठी चली, बहुत से लोगों को चोट आई है। इधर आप उत्तर प्रदेश में देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मनमानी कर रहे हैं। लखीमपुर में किसने नहीं देखा कि विधायक के झापड़ मारा गया और फिर क्या कार्रवाई हुई? सतीश महाना से मिलने आए थे सब। क्या कार्रवाई हुई सोचिए आप। अगर वो FIR लिखाना चाहते हैं तो FIR नहीं दर्ज होगी क्या? एडमिनिस्ट्रेशन को 100 मोटो लेकर के नई FIR दर्ज करनी चाहिए थी। प्रशासन को खुद लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने के लिए लोगों की नज़र में ये जाए संदेश कि हाँ, प्रशासन काम करता है, एक्ट करता है। और वहाँ के जिलाधिकारी कोई पहली बार थोड़ी ये देख रहे हैं तमाशा। इससे पहले भी उन्होंने तमाशा देखा जब पर्चे छीने गए।
उससे पहले भी समाजवादियों पे इन्होंने लाठी चलाई, समाजवादियों को अपमानित किया, समाजवादी पार्टी को अलग तरीके से नज़र से देखते हैं। तो क्या हुआ कि जिलाधिकारी तमाशा नहीं देख रहे थे, अब तो उन्हीं के विधायक को तमाशा पड़ गया, अब तो और देखें तमाशा। और बहराइच या और जगह जो घटनाएं हो रही हैं उसकी जिम्मेदार अगर कोई है तो शासन है, प्रशासन है, और इनकी वोट की राजनीति है जिसकी वजह से ये जानबूझ करके करा रहे हैं। कभी किसी के खिलाफ स्टेटमेंट दिलवा देना, कभी टीवी चैनलों पर झगड़ा करा देना, ये इनकी सोची समझी चाल है। मैं जनता से अपील करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की चाल समझिए, ये नफरत या झगड़ा करा के ही समाज को बांट करके अपने राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि ये पूरा विवाद शाम 5 बजे शुरू हुआ। करीब 5:30 बजे पुलिस ने लाठीचार्ज किया, 6 बजे राम गोपाल को गोली मार दी गई, 7 बजे प्रदर्शन शुरू हुआ जिसने अशांति फैला दी। फिलहाल प्रशासन का दावा है कि वीडियोग्राफी करवाई गई है, दोषियों पर कार्रवाई होगी और फिलहाल शांति व्यवस्था कायम। देखिए पूरे प्रदेश में मैं पहले से कह रहा हूँ जंगल राज कायम है, वहां पर गोली चली। बनारस में 481 साल पुराने भरत मिलाप में राम भक्तों पर इस सरकार ने लाठी चलवाई। सर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो अधिकारी हो चाहे अपराधी। अरे बोलने से नहीं होगा ना, वो जाके खाली अपना काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनके बस का नहीं रह गया, उनको इस्तीफा देके मठ चले जाना चाहिए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शाहूद अंसारी के साथ मैं अभिनेंद्र, भारत एक्सप्रेस के लिए।